आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर इछरे में रहता हूँ। ठीक है, काम पीछे में? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। ओवरसीज़ भी आप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस मुल्क में? दुबई में होता हूँ। तो क्या फ़र्क क्या है लाहौर का दुबई का? ज़मीन आसमान का फ़र्क हर लिहाज से चेक एंड बैलेंस हर चीज़ में फ़र्क है। वहाँ दूध मिलावट वाला नहीं मिलता? इधर सब कुछ हाल से, इधर सब कुछ मिलावट वाला है, एवरीथिंग्स। अच्छा, बिल्कुल दूध भी खालिस? सब कुछ खालिस है, खालिस लोग हैं, हर चीज़ खालिस है, कोई बेईमानी नहीं। उधर कोई सोच भी नहीं सकता मिलावट का? नो, जो करेगा वो अंदर जाएगा, सज़ा मिलेगी। वहाँ पे कानून के ऊपर एप्लीमेंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं। मिर्चों के अंदर बुरा कोई नहीं डालता उधर? कुछ नहीं होता, वो पैदा नहीं हुए बच्चे, माँ ने वो बच्चे पैदा नहीं किए, वो जो वहाँ पर मिलावट करे। यहाँ पर सो मैनी बहुत ज़्यादा है, अक्सरियत है। किसी और जानवर का गोश्त नहीं खिला देते हो? मैं कहता हूँ, उधर मैं था जब ये गधे वाला काम शुरू हुआ, अरबी ने मुझे बुला के पूछा भाई ये कछुओं वाला भी हुआ था? सब कुछ आपको याद है? हमने सब कुछ देखा वहाँ पे। इधर शर्मिंदगी हुई है कि आप लोग गधा भी खा जाते हो, और लोगों ने मज़े से खाया लाहौर में, पाकिस्तान में। उन्हें क्या पता था बेचारों को? सब कुछ उधर ऐसा नहीं? नहीं नहीं, उधर कुछ नहीं। इधर आपके पाकिस्तान में जो बदमाश आदमी ने जिसके तहत मैंने 5 कत्ल किए हैं, उससे कहें दुबई में या सऊदी में थूक फेंक गया सड़क के ऊपर, या बटन खोल के चले, लग पता जाएगा उसको। ना करें सीरियस इस कदर, वो बटन खोलने से बिल्कुल पकड़ लेंगे। बिल्कुल आपको कभी नहीं किसी कानून पे, ट्रैफिक के चलान पे कभी? कुछ भी नहीं, मैंने वहाँ पे जब स्टार्ट पहले दिन गया ना, मैंने उनके कवानी स्टडी किए, उस हिसाब से मैंने वहाँ पे 4 साल गुजारे हैं। 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी वायलेशन या मुखालफा नहीं है। उधर डॉलर नहीं ऊपर जाता आसमान को लग जाएगा? स्टिल है। कैसे? ये हुकूमत है अभी उनकी, वो आप उठे दही की कीमत तो आपके, मैं आपको स्लिप दिखा, मार्डर ही ना मिल रहा हो। मैंने सुबह $100 कैश करवाया, सुबह की डेट देखें जरा आप, 21,000 22,100, अभी मेरी जेब में सिर्फ 4,000 है। सिर्फ मैंने बिजली का बिल पे किया और मैं इतना तांग हूँ, मैं बाकी कहाँ लगा दिया आपने? बिजली का बिल जिंदाबाद जी, मेरे पास चीज़ है आज सुबह की डॉलर की, सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे यार आ गया था, मुझने मीटर कार्ड नहीं आना, मैं क्या बिल तो जमा कराओ। ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी में ये मुल्क ठीक होगा, मुझे इतना पता है। कभी साइफर, कभी रिकॉर्डिंग, ये खिला रहे हैं सबको, पागल बना रहे हैं और लोग पागल बन रहे हैं। बिल वहीं पर है, महंगाई वहाँ पर है, हर चीज़ वहीं पर है। 55, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ठीक होगा, मैं दुआ करता हूँ। आप क्या मायूसी वाली बातें कर रहे हैं? नहीं, हकीकत है ये। ठीक क्यों नहीं होगा? कभी जरदारी, कभी नून लीग, उधर बिल ज्यादा नहीं कभी आया? उधर स्टिल है जी, बिल भी ज्यादा नहीं आता। 50 दरम पाकिस्तानी 12,000, 10 AC चलाए, स्टिल है 10 AC, एक नहीं 10, वो आपको 250 देना पड़ेगा। एक भी चलाएं 250? एक भी 250, 5 की गुंजाइश होती है वहाँ, और एक रूम में एक AC। हर बंदे ने 250 दिरहम बिल देना ही देना, एक रूम का आपने रेंट देना है AC का, सिर्फ बिजली, उसमें AC जो मर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, केतल, एवरीथिंग। बिल उधर ज्यादा है, इसका मतलब घर पूरे का ज्यादा बन जाता है। कमरे में वहाँ पे 8 आदमी है, 10 वो तो डिवाइड हो गया, फिर वो कुछ भी पता नहीं चलता। उधर आप क्या करते हैं जाके? मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस अबू धाबी बल्दिया में होता, जॉब करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। बल्दिया उधर फटे पटे नहीं लगवाती? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं उधर? गरीब लोग हैं फिर तो, बल्दिया फटे नहीं लगवाती भाई? वो बल्दिया नाम का, इधर बल्दिया को गलत यूज किया गया, फटे रेड़ियाँ ये वो, बल्दिया चेक एंड बैलेंस है, वो देखते हैं कोई ओवर स्टे तो नहीं है, कोई लीगल थी, कोई वायलेशन तो नहीं करता, इस तरह उसको बल्दिया करते हैं वहाँ। किसी का वीज़ा ख़त्म हुआ उसको पकड़, मार्केटों में फटे नहीं लगवाते उधर तो आप अपनी दुकान के आगे कुर्सी रख के नहीं बैठ सकते, यहाँ पे तो यहाँ तक, अब ये दुकान है कोने वाली, इसकी रजिस्ट्री वो जंगले तक है, वो ये जहाँ चाहे स्टार लगा के पैसे जेब में डालता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस वहाँ तक रजिस्ट्री कैसे आ गई? कहते हैं आप माने तो चढ़ गए, सरकारी प्रॉपर्टी। मैं कहाँ पर बैठा हूँ? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? फटे लगे हुए सारे, माफिया है पीछे, सब माफी है। विदाउट किसी की परमिशन आप यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। आप इसको छोड़ के आए कभी? मास्क लगा के आए इधर खड़े हो? हाँ जी भाई, किधर? आपको ज़्यादा पता? अच्छा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उधर आप मॉर्निंग में उठे हैं, बाहर सड़क में आए तो रोड ब्लॉक करके लोग बैठे हो? नो, रोड नहीं ब्लॉक का टाइम, किस तरह का? नहीं, सोने का टाइम, किस तरह का कंट्री है? सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम। आप धरना देके सड़क पे नहीं बैठ सकते? वहाँ पे जूते मारते हैं, सोचने पे भी करना तो बहुत दूर की बात है, धरना नहीं दे सकते? मैं कहता हूँ मैंने 4 सालों में कभी नहीं देखा, टीचर एहतजाज के लिए नहीं कभी निकले? कुछ नहीं होता वहाँ पे, कभी नहीं, कोई चक्कर नहीं, नेवर जी, नेवर।
पकड़ के अंदर कर दिया। वहाँ पे यमन और दुबई की थोड़ी सी चपलस हुई थी, थोड़े सी जमनी बाहर निकले थे, उन्होंने पकड़ के सारे उसी वक्त डिपोर्ट किए थे यमन में वापस। सिर्फ घर से बाहर निकले हैं चार आदमी, बकाया दास भी पकड़े, चलो जी वापस। ये मुल्क इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन इन्होंने इसको इतना गंदा कर दिया ना कि जिसकी हद कोई। पुलिस वहाँ तफ्तीश करते हैं, आगा पीछा नहीं करती। तो पुलिस वाले वहाँ पे सिर्फ कैमरे हैं, कैमरे में आप वायलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे पुलिस वाले हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं है, कैमरे लगे हुए। आप थोड़ा ऐसा इधर हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो आपके मोबाइल पे वीडियो आ जाएगी, आपने फ्लान टाइम पे वहाँ पे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग रेड लाइट पे क्रॉस की थी। ये लें जी 500 दरम, विद इन वन वीक आप जमा करवाएं, अगर रनिंग करवाते 1000। वहाँ पे तो मुर्गा बनाया हुआ। वहाँ लोग बताते नहीं कि हम बहुत गरीब हैं, हमें पैसे नहीं दे सकते, रोना शुरू कर दें। वायलेंस वायलेशन करेगा, चाहे वो वहाँ का वतनी है मुल्क का, वो भी जुर्माना देगा। सोचे भी ना कभी। अच्छा, कोई हिसाब नहीं? नो सर, बेसन मिलावट वाला मिलता हो? सर कुछ भी नहीं, कमाल कर रहे हैं यार। कुछ नहीं, कुछ तरह वो बच्चे नहीं पैदा हुए मिलावट वाले वहाँ पे, कोई नहीं। बेसन ओरिजिनल पकौड़े खाने का मजा आता है वहाँ पे, मिलावट वाली कोई चीज नहीं है। चेकिंग होती है भाई, शहद में चीनी डाल दी हो, कुछ भी नहीं, शीरा बना के। जब तक वो पास नहीं होता वो स्टोर पे कोई चीज आती है, शहद ही नहीं मिलता यहाँ से। आप ढूंढ के दिखाएं मुझे, आपका सारा जितना अच्छा फ्रूट है शहद वो सारा बाहर चल रहा है। यहाँ पे तो वो कुछ कचरा है नहीं, वो गुड़ का बना के वो शीरा बीच में ऐसी चीजें नहीं डाल देते हो? नहीं नहीं नहीं, रंग सा पता नहीं क्या बल्दिया का काम ही। कोई भी फूड खाने पीने की चीज कोई भी है उसको पहले चेकिंग होती है। मरी हुई मुर्गियों के शुवार में नहीं बनते वहाँ? वो यहाँ पे बनते हैं। ना करें यार, आप देखें इल्जाम लगा रहे हैं। ये रात को खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं। मैं बताता हूँ, अधमुई मुर्गियों के वो लाल मुर्गियां जो मार्केट में ही नहीं आ सकती। नहीं देखी कभी आपने? कभी दुबई में? कभी मैंने सोचा भी नहीं कि बेजोक सा सिटी वो कंट्री है। किस तरह की बातें बता? अगर यहाँ पे सुन ले, आखिरी बड़ी बात जो नहीं करनी चाहिए, अगर यहाँ पे माँ बाप फैमिली ना हो, वो बड़ा जो इस मुल्क में वापस आया, ये बच्चे बीवी माँ बाप खींच के ले जहाँ पे, वरना इस मुल्क में कुछ नहीं है। आज से 30 साल हो गए मुझे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देखते देखते आज भी वही है, वही कुछ नहीं बदला। इस तरह तारे नहीं वहाँ बिखरी सर? वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन देखे तारे इस तरह का नहीं है। बिजली चोरी नहीं वहाँ होती सर? कमाल करते हैं यार, किस तरह का वो कलर लेस ब्लाइंड सा बता रहे हैं सारा कुछ। बिल्कुल ऑपोजिट, बिजली चोरी नहीं वहाँ? नहीं सर, वहाँ पे है ही नहीं मीटर चोरी का। तारे नहीं मैंने देखी, आप बिजली चोरी की बात कर रहे हैं। इगवा बराए तवान नहीं होता वहाँ? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे है। किस तरह का कंट्री बता रहे हैं आप? बहुत अच्छा, हमने बनाया, हमारे बड़ों ने बनाया, आज देखें वो कहाँ पे, हम कहाँ पे। टमाटर 280 तक चले गए हो, 400 क्रॉस कर गए हो। एक मैंने आज से 20 साल पहले भी पेप्सी एक धर्म की थी, आज भी एक धर्म की। एक धर्म की एक तीन पैक, वही वही है। खुबस भी उसी तरह? उसी तरह है, ठीक है। दूध भी ठीक, हर चीज खालिस है। 2 बजे तंदूर बंद हो जाता है, देखें उसके बाद वो जितनी रोटियां 20-30 वो आप शॉपर में डाल के ना रख देता है दुकान के बाहर, दुकान बंद। अब किसी का दिल करता है खाने को, लेट आया वो वहाँ से निकालेगा, अगर दिल करता है तो पैसे रख दे, नहीं रखेगा तो कोई मसला नहीं, जाओ। क्या बात आप कर रहे हैं, हकीकत है ये। ये क्या कह रहे हैं लोग, नहीं बताते इधर फ्री रोटी? बिल्कुल, हर तंदूर वाला, ये तंदूर का टाइम खत्म, 20-30-40-50 वो भाई रख देगा, जिसका दिल करता है पैसे रखते, जिसका दिल नहीं करता वो ले जाए। सोने में खोट तो नहीं होती होगी उधर लाजमी? सोने में खोट तो लाजमी होती होगी, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। आप अच्छी बातें करें, सोने में कोर्ट। आप 30 साल पहले की बातें करें, आज की बात करें, आप कोई चक्कर नहीं। 2022 में बैठे हुए कोई उधर, आप मेन फिरोजपुर रोहिशरे में एक ओवरसीज के साथ बैठे हुए, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं उधर सर, सर कोर्ट कोई नहीं, खाली सोना। बिल्कुल ना करें यार, हो ही नहीं सकता सर, सर हो ही नहीं। एक बड़े यार, हर चीज फिर सब कुछ खालिस है। कोई 28 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, 28 को नहीं 2 दिन पहले, सारे सबके कोई भी है जो नहीं देगा। जूते लेने जाएं वो रेक्सियन निकलने लेदर देख क्या क्या सर, सब नहीं, जूता भी ठीक, कुछ ठीक, एवरीथिंग, सुई से लेके जहाज सोल घिसे, आप ड्राम करके गिरे हो? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, विद इन 1 वीक सारे रोड सारे सड़कें वॉश होती हैं जुमे रात को। मिट्टी तो इतनी जरूर होगी जितनी लाहौर में। शर्ट पहनने 15 दिन के बाद उसका कलर खराब नहीं होगा, ना धोए आप। स्मोक तो बहुत होगा, कैबन है उनके स्मोकिंग के लिए, वो दूसरा स्मोक वो आलूदगी, वो साल में एक दफा आती है, 3 दिन आती है अंधेरी, 3 दिन चढ़ती है, 3 दिन वहाँ तो आपको छींकें आती होंगी हर वक्त, डस्ट बहुत है। कुछ डस्ट बहुत है, कुछ भी नहीं, इधर है नहीं, कुछ सारी उधर की इधर आ गई है, उधर कुछ नहीं है। उधर आंधी नहीं चलती? नहीं चलती है, शॉपर नहीं उड़ते आंधी में? नहीं नहीं, वो कभी कमाल यार, ये कैसे हो सकता है? वो हम तरस गए उधर देखने को कि शॉपर उड़ रहे हैं यार, कमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं,
वो वहाँ पे तरस जाते हैं हम कुछ इस तरह की चीजें देखने को। यार ये किस कहाँ की बस्ती की बातें कर रहे हैं? अगले दिन जमानतें नहीं मिल जाती सर। जिसने मैं कह रहा हूँ जेब्रा क्रॉसिंग की है वो 72 घंटे अंदर रहेगा, उसके बाद उसको फाइन होगा। नहीं वहाँ का MNA MPA कोई फोन करके नहीं बचाता। मजेदार बात, जो लाहौर से पकड़ा जाएगा उसको कराची फेंकेंगे जेल में, ताकि उसको जो छुड़ाने जाएगा ना उसका भी 500। मेयर फोन नहीं करता, मेयर करके अंदर जाता है, कोई फोन नहीं करता। मेयर भी अगर करेगा वायलेशन वो भी अंदर जाता है। सिफारिश नहीं चलती उधर? नहीं। क्यों यार, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं हकीकत बता रहा हूँ आप, पाकिस्तान की बातें नहीं। नहीं उधर फौरी तौर पे बात सर बंदे की कॉल नहीं आ जाती कि यार ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में आती है, इंडिया में आती है, उधर नहीं। उधर नहीं, उधर जो वायलेशन करेगा वो उसको जुर्माना होगा, कोई भी हो, चाहे वो वतनी है चाहे वो खारजी है। हाँ वतनी की थोड़ी सी होती है इस बारे का, अगर उसको 500 है उसमें 100 कम हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला वो सिस्टम नहीं है। वो जुर्म किया आप उसके पेड़ हैं, वो आपको बकायदा मूवी देंगे, इस टाइम पे इस सेकंड पे आपने ये वायलेशन की है, आपके मोबाइल सिम रजिस्टर होगी, आपको विद इन 5 मिनट आपको मैसेज आ जाएगा वीडियो, ले जी आपने ये काम किया। नहीं पानी लगा गोश्त तो मिलता होगा लाजमी। हाँ कोशिश करते हैं हम ढूंढने, अब जाऊंगा तो मैं देखूंगा और मैं आपका नंबर लूंगा आपसे। 30 साल से आपको नहीं मिला? आपका नंबर लूंगा, आपको रब्ता करूंगा और आपको मैं व्हाट्सअप किया करूंगा। अगर नहीं मिला शॉपर उड़ने वाली मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, अगर उड़े तो कोई आंधी में आपने देखने शॉपर उड़े सर नहीं इतनी होते। मैं आप नंबर दें मैं आपसे रब्ता रखूंगा, मैं आपको जो आप पूछ रहे हैं ना मैं आपको भेजूंगा। मैंने 4 सालों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। मैदे में मिलावट हो जाए सर, आटा पापड़ी बना दे सर, यहाँ पे पर्स गिर गया ना, घी में मिलावटें, पर्स गिर गया यहाँ पे, जिसने जेब कतरे जरूर होंगे, मुझे पता चल गया। हाँ बिल्कुल मुझे पता चल गया, इधर बहुत है, उधर जेब कतरे कोई नहीं, उधर नहीं है। जिंदगी में कभी जेब नहीं कटी आपकी? आपका पर्स गिर गया ना वॉलेट, जिस आपकी दुबई में जिंदगी में कभी जेब नहीं कटी? सर वहाँ पे रूम को ताला नहीं लगाते क्यों? क्या क्या बात कर रहे हैं? अंदर लोग हैं जी, अच्छे लोग हैं। इधर आपने 10-10 ताले घर में लगाए हुए हैं? भजन 20 भी लगा ले तो आ जाएंगे। अभी आज मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था शेखुपुरे में, एक वलीमे को सारे को लूट लिया उसने, ये आज की के पता नहीं परसों की वीडियो। ट्रैफिक कवानीन तो नॉर्मली होंगे यार, वहाँ पे पुलिस वाले हैं नहीं, सारे कैमरे और कैमरे होने के बावजूद कोई वायलेशन नहीं है, ना जेब्रा क्रॉसिंग की ना रेड लाइट की, कोई वायलेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। ना वन वे तो लोग लाजमी आते होंगे, किधर आते हैं? उधर आपने वन वे भी देखे? कुछ भी है ही नहीं, कलरलेस सिटी है फिर तो, कंट्री पूरा बेहतरीन है। दो लोग क्यों भागते हैं वहाँ पे? इसीलिए भाग, फिजा में आलूदगी नहीं, वो गले खांसी बुखार जुकाम नहीं, तो बार बार पूछने को दिल कर रहा है कि ये कौन सी बस्ती, किस बस्ती का आप नाम ले रहे हैं? दुबई की बात कर। आप अब कब से हैं पाकिस्तान? मैं इंशाल्लाह तकरीबन 1 वीक वापस जा रहा हूँ। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। Thank you so much.